भागलपुर कहलगांव मुख्य मार्ग NH-80 पर घोगा के आमापुर के पास भीषण दुर्घटना हो गई। एक बारात गिट्टी लदा हाईवा पलट गया, जिसमें दबकर स्कॉर्पियो में सवार 6 बाराती की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मायागंज अस्पताल भागलपुर भेजा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद घोगा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और NH-80 का निर्माण कर रही एजेंसी की JCB और अन्य संसाधनों से मलबा हटाने का काम शुरू किया। मलबे में से निकाले गए लोगों में 3 घायल थे। शेष 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। मौके पर आसपास के लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। घायलों ने स्थानीय लोगों को जो सूचना दी उसके अनुसार बारात मुंगेर से हवेली खड़गपुर के गोड्डा के पीरपैंती के खिदमतपुर जा रही थी। 3 स्कॉर्पियो से बाराती NH-80 पर भागलपुर से कहलगांव की ओर जा रहे थे। विपरीत दिशा से यानी कहलगांव की ओर से गिटी लदा हाईवा आ रहा था। इसी दौरान हाईवा अनियंत्रित हो गया और स्कॉर्पियो पर पलट गया। बीच में चल रही स्कॉर्पियो पूरी तरह हाईवा की जद में आ गई। हाईवा में जितनी गिट्टी भरी थी वो स्कॉर्पियो पर आ गई, उसमें दबकर बारातियों की मौत हो गई। मृतक में 2 बच्चे भी शामिल हैं। दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो के आगे पीछे चल रही 2 अन्य स्कॉर्पियो किसी तरह हाईवा से बच निकली, वरना और भी अधिक लोगों की मौत हो सकती थी। बताया गया कि घटना स्थल पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। सड़क 1 और करीब 3 से 4 फीट तक ऊंची थी, जिस पर ट्रक गुजरने के कारण वह अनियंत्रित होकर बाराती वाहन पर पलट गई। बारात गाड़ी की दुर्घटना में घायल 60 वर्षीय कैलाश दास सहित अन्य घायलों को सोमवार रात लगभग 1:30 बजे मायागंज अस्पताल लाया गया। सबकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायल कैलाश ने बताया कि लगभग 1 घंटे तक वे लोग मलबे में दबे रहे, सांसें अटकी रही, गाड़ी में बैठे अन्य लोगों के साथ होश खो बैठे थे, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमें कोई निकाल रहा है। अंदर दम घुट रहा था। साथ ही बारात की क्या स्थिति थी, कौन जिंदा है कौन नहीं, यह भी पता नहीं चल पा रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर सभी शांत हो गए थे, अंदर दम घुट रहा था। 1 घंटे बाद कुछ हलचल होता लगा, लेकिन गाड़ी से हिला नहीं जा रहा था। जब बाहर निकला तो स्थिति देखी। कैलाश ने बताया कि बारात खड़गपुर के गुड्डा गांव से पीरपैंती जा रही थी। ऐसे वह स्वयं शिवपुर लोंगाई के रहने वाले हैं, जो श्यामापुर थाना के अंतर्गत आता है। वो यह भी बताने की स्थिति में नहीं थे कि मृतकों में कौन कौन शामिल है। इतना जरूर बताया कि 6 गाड़ी से बारात निकली थी, जहां तक मुझे पता है हमारी गाड़ी बारात में आगे चल रही थी। उन्होंने बताया ट्रक मुड़ रहा था, इसी दौरान यह दुर्घटना हुई। 2 अन्य घायलों में से 1 लव दास है, जो बोलने की स्थिति में नहीं है। हमरो बेटवा बराती आवे चलाए मारी दल के डनिया खाए गेला गोबड्डा दस साल जला बराती गलो रे मौसा संग हमरो भतीजे जे कहबा फोन कर लगा हमरा मोबाइल पर तब पता चल अभिषेक कुमार मिस्त्री जगलाल नूदा मैं बाहर गया थे काम करे ला हमारा पता बराती गया बराती में बस हाईवा से हो कि कैसे हो दुर्घटना हो कि सब गया। उसके बाद मृत्यु हो गया। उनके पास मोबाइल भी था। क्या आदमी का मौत हुआ? 6 आदमी का मौत हुआ। 6 आदमी का मौत हुआ। आपका पोता का भी डेथ हुआ? जी वही। क्या चाहते हैं सरकार? मुआवजा है सरकार वही। शादी किन की थी? जो बारात जा रहा था किसकी शादी में जा रहा था? वो गांव का था। गांव का मेरे गांव गोवड्डा बस्ती से हम जो है बराती निकले पीरपैंती के लिए, और जो है रास्ते में घोगा एकचारी के बीच में ओमपुरी बस्ती पड़ता है, वहीं पर जो है हम लोग जाम में फंसे हुए थे। उसके बाद आगे से जो है हाईवा क्रॉस कर रही थी और हमारा गाड़ी जो है खड़ी हुई थी वहां पर, उसी निकट उसका जो है पत्ती टूटने के बाद ओवरलोडिंग होने के बाद जो है पत्ती टूट गया और वो गाड़ी जो है पूरा हमारे गाड़ी पर पलट गई। उसमें जो है 6 लोग जो है स्पॉट डेड है और जो है 3 लोग जो है उसका इलाज चल रहा है, एक आदमी जो है सुरक्षित। नहीं नहीं, रिश्तेदार आए थे हम लोग जो है शादी विवाह में, और हर एक जगह का रिश्तेदार जो है बराती गए थे उसमें। एक परिवार के कितने लोग? उतना तो हमने बता सकते, हम भी दोस्तियारी के रूप में गए थे वहाँ पर। बच्चा भी है? हाँ बच्चा भी है। और जो है उन लोगों के आप लोग को दुआ से उस सबको जो है मुआवजा
दिया जाए और दिलाने का कोशिश करें आप लोग। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही भागलपुर की जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसोर चौधरी और सीनियर एसपी आनंद कुमार पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां दोनों अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टरों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द सभी शवों का पोस्टमार्टम किए जाने का दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने घटना को काफी दुखद करार देते हुए कहा कि भागलपुर जिला प्रशासन हादसे के शिकार लोगों और मृतक के परिजनों को हर संभव मदद कर रही है। वहीं सीनियर एसपी आनंद कुमार ने कहा कि कहलगांव एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन हादसे को लेकर किया गया और हादसे के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। सीनियर एसपी ने यहां तक कहा कि पिछले एक महीने से भागलपुर जिले में बड़ी संख्या में ओवरलोडेड वाहनों को जब्त किया गया है और उनमें करोड़ों रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। घोघा थाना अंतर्गत आमापुर गाँव के पास एक ट्रक जो कि उस पर गिट्टी लोड था, उसके गाड़ी पे पलटने से, स्कॉर्पियो पे पलटने से 6 लोगों का देहांत हो गया है और 2 लोग अस्पताल में अभी भर्ती हैं। एक तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं जिसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। एक मायागंज में है, वो स्टेबल है और हम लोग यहाँ अभी अस्पताल में सभी शवों का पोस्टमार्टम करा करके हम लोग सारा प्रपोजल जो है भेजेंगे DM साहब को। DM मुंगेर को भी इंटीमेट कर दिया गया है और जो भी उचित मुआवजा होगा फिर उसकी प्रक्रिया कर दी जाएगी। अब प्राथमिक स्तर पे हम लोग अभी जो पोस्टमार्टम है बहुत जल्द कर दे रहे हैं। जो हमारे मायागंज में अस्पताल में भर्ती हैं उनका हम लोग इलाज बेहतर तरीके से कर रहे हैं और यहाँ से ही हम लोग शव वाहन से सभी शव को उनके घर तक पहुँचा देंगे और उसके बाद जो कागजी कार्रवाई है हम लोग आज ही करके फिर जो सीनियर लेवल है सीनियर लेवल को हम लोग भेज देंगे। देखिए, जब हादसा हुआ तो गाड़ी पलट गई और उस पर जो भी लदा हुआ था वो सारा सड़क पर बिखरा है, तो इस संदर्भ में भी जांच की जा रही है और उसमें एक SIT बनाई गई है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में, जो इस दुर्घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भागलपुर पुलिस और माइनिंग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में आप अप्रैल माह का ही आंकड़ा उठा कर देख लीजिए तो बहुत बड़े पैमाने पर गाड़ियों की जब्ती की गई है और करोड़ों रुपये का जुर्माना भी गाड़ियों पर लगाया गया है। ओवरलोडिंग के खिलाफ जो हमारा अभियान है ये लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। वहीं घटना के बाद लड़की वालों के घर पर भी सन्नाटा पसर गया है। दरअसल घटना के बाद ना तो लड़का और ना ही बारात लड़की के घर तक पहुंचे, जिस कारण लड़की के घर शादी की खुशी मातम में बदल गई और सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। इस दौरान लड़की वालों ने शादी के लिए आकर्षक सजावट की थी और बारात के स्वागत के लिए कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए थे जिसमें काफी रुपये भी खर्च हुए थे। गरीब परिवार की लड़की की शादी थी जिसके लिए ग्रामीण और परिजनों ने बारातियों के स्वागत के लिए काफी तैयारियां की थी, लेकिन हादसे के बाद जब बारात और लड़का शादी के मंडप तक नहीं तो उसके बाद लड़की के परिजन काफी निराश और हताश हो गए। लड़की के भाई अशोक दास ने लड़का वालों से संपर्क कर विनती किया कि लड़का सुरक्षित है, लड़का को भेज दीजिए, शादी हो जाने दीजिए, लेकिन वो लोग नहीं माने। लड़की की मां भोलिया देवी ने बताया कि अगर ट्रक नहीं चढ़ता तो आज मेरी बेटी की शादी हो जाती। ओवरलोडेड हाइवा ट्रक की चपेट में आने से कई लोगों की जान तो गई ही, लड़की और उसके परिजनों पर भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद लड़की और घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। क्या लड़का की तरफ से कोई आश्वासन आया? कुछ नहीं आया। फोन तक करने फोन कर रहे हैं क्या बाद में डिस्काउंट का बताएंगे। आपका नाम क्या हुआ? आप सबसे बड़ी हैं? पहली बहन है। कितना भाई कितना बहन है लड़की? कितना भाई? बहुत ज्यादा उधर एक्सपायर मतलब उसका कांड हो गया तो वापस फिर घूम के चला गया, ना इधर नहीं आया। इधर नहीं आया? मरी के लिए मौत आई थी ना। खाना भी बनाया गया होगा बराती के लिए? हाँ, चिकन चावल बनाए थे। कितना बराती आने वाला था? 50 बराती आने वाला था। 50? हाँ, 50-60 ग्राम सामान आने वाला था। फिर किसी तरह का बात हुआ है लड़का वाले से अभी तक आप लोगों का? अभी कुछ बात नहीं हुआ। बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हुआ। वो लोग पानी मतलब किए तो ऐसा बात बताए, इस तरह का बात हुआ तो दोबारा वो लोग फोन मतलब नहीं किए। लोग का जैसे कॉल आया कि ऐसा घटना हो गया तो हम लोग बोले कि लड़का सुरक्षित है। बोला लड़का सुरक्षित है? हम लोग बोले तो लड़का जब सुरक्षित है तो उसको यहाँ तक गाड़ी हम आने दीजिए, बाद में जो होगा। काली पूजा महासमिति से जुड़े धुरी यादव के भाई जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती को जान मारने की धमकी दी गई है। शिशुपाल भारती ने SSP को आवेदन देकर न्याय की मांग की है। शिशुपाल भारती ने बताया कि सरोज वाटिका झरखुरिया रोड विवाह भवन में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था, जहां अपराधियों से साठगांठ रखने वाले पीरपैंती लकड़ा कोला के मनोज यादव ने कहा कि जिस तरह से आपके भाई धुरी यादव की हत्या हुई थी उसी तरह आपकी भी हत्या किलर को 5 लाख रुपए देकर करवा देंगे। वहीं शिशुपाल भारती धमकी के बाद दहशत में है और
भयभीत है और एसएसपी से न्याय की मांग करने गए। शिशुपाल भारती ने कहा कि एसएसपी ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया है, साथ ही कहा कि जीरो माइल थाना को हर एक बिंदु पर जांच करने का आदेश दिया गया है। जांच पूरी होते ही बहुत जल्द कार्रवाई होगी। एसएसपी साहब के पास मैं आवेदन देने आया था पूर्व के दिनों, कल मैं जीरो माइल थाने में प्राथमिकी दर्ज के लिए आवेदन दिया हूँ। जो धमकी मुझे मिला है, मनोज यादव पिता हरिहर प्रसाद यादव घर लकड़ा कोल थाना पीरपैती जिला भागलपुर के द्वारा, क्या धमकी मिला आपको? धमकी मिला कि आपके भाई का जिस तरह से हत्या हुआ है उसी तरह से आपका भी हत्या 10 से 15 दिन के भीतर हो जाएगा, यही धमकी हमको मिला है। एसपी साहब के पास आया, क्या सूचना मिला है? एसपी साहब बोले, एसपी साहब जीरो माइल थाना प्रभारी को फ़ोन किए और बोले कि अविलंब उस पर जाँच कराओ, और वो जो पूर्व के दिनों नक्सल से रिलेटेड कोई शंकर यादव का मामला था, तो जिस तरह नागालैंडी राइफल वगैरह है, एसएसपी साहब ने जीरो माइल थाना प्रभारी को कहा है कि नागालैंडी राइफल उनके पास भी, वो सब जांच करो और इसका क्या कारोबार है, किस तरह का कारोबार करता है, किन लोगों से इनका साठ गांठ है, इनका मोबाइल का पूरा ट्रैक वगैरह निकालने की बात की है। एसएसपी साहब ने मुझे पूरा सूचना मिला है कि आप निश्चिंत रहें, ऑलरेडी मुझे अंगरक्षक मिला हुआ भी है पिछले दिनों ही, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। डर भी लग रहा है आपको? नहीं, डर तो नहीं लग रहा है, डर तो क्या लगेगा, विधि का विधान है, ईश्वर के यहाँ से तय है, एक बार जीना एक बार मरना है, इसलिए मरने का ऐसा कोई डर नहीं है। हाँ, सुरक्षा चाहते हैं, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से सुरक्षा चाहते हैं अपना, पूर्व के दिनों जिस तरह मुझे सुरक्षा मिला था उस तरह सुरक्षा कंटिन्यू रहे, और इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं जो समाज में भय फैलाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। कल हमें डराने का प्रयास किया, कल किसी और को नहीं डराए, इसलिए इस तरह की कार्रवाई और विलम्ब वैसे लोगों पे होनी चाहिए, यह हम उम्मीद और आशा करते हैं। बल्कि डर भय की कोई बात नहीं, हम लोग तो संगठन में काम करते हैं, अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। मैं जिला जनता दल यू में प्रवक्ता का दायित्व में भी हूँ, लगातार पीरपैती से लेकर सुल्तानगंज तक संगठन के काम से जाता आता हूँ। भय की कोई बात नहीं है, हमें जनता का समर्थन है, हमारे अपने लोगों का सहयोग और आशीर्वाद है, हमें किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। देखिए, हम तो कहें ना कि एसएसपी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत, कल मैंने आवेदन दिया 2 बजे और शाम के 7 बजे जीरो माइल थाना प्रभारी ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन से संपर्क किया, वो घटनास्थल पर गए, वहाँ सरोज वाटिका के जो मालिक हैं उनसे मिले जुले, कार्रवाई हो रही है। हमारे सरकार में जब घटना घट जाती है निश्चित रूप से अविलंब कार्रवाई होके और सजा मिलता है, उसी तरह कार्रवाई हो रही है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बहरापन और गूंगापन को दूर करने के लिए बिहार में पहली बार निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक के सौजन्य से निशुल्क जांच सह मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह मेगा शिविर 29 अप्रैल से 6 मई तक चलेगा। मेगा शिविर एक साथ पूर्णिया, भागलपुर और अररिया में चल रहा है।
इस मेगा शिविर में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को देखा जा रहा है। इस शिविर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा जांच और परीक्षण निःशुल्क किया जा रहा है। साथ ही अगर मरीजों को श्रवण यंत्र की जरूरत है तो इस शिविर में पूरे 50% की भारी छूट यंत्रों पर दी जा रही है। भागलपुर में डॉक्टर निशि कुमार ने बताया कि हमारे क्लिनिक के द्वारा पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जो पूरे बिहार में पहली बार हो रहा है। हमारे तीनों ब्रांच पूर्णिया, भागलपुर और अररिया में 29 अप्रैल सोमवार से 6 मई सोमवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वैसे लोग जिनको बहरापन या फिर गूंगापन की समस्या है वो आकर मिल सकते हैं। साथ ही ऐसे बच्चे जिनको की बोलने में परेशानी होती है या फिर वो बोलने में हकलाते हैं या जिनका आवाज क्लियर नहीं है, वैसे बच्चे भी हमसे आकर मिल सकते हैं। यहाँ उनका निःशुल्क जांच और परामर्श किया जाएगा और वैसे मरीज जिनको हियरिंग एड या श्रवण यंत्र की जरूरत है वो यहाँ से हियरिंग एड या श्रवण यंत्र खरीद सकते हैं। ये शिविर जो है आपका, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जिनको या फिर किसी भी एज के लोग जिनको सुनने या बोलने से रिलेटेड समस्या होती है, उनके लिए ये कैंप लगाया गया है जिसमें आपका निःशुल्क जांच एवं परामर्श मिलेगा। और जो भी जिनको दिक्कत निकल जाती है, नस की समस्या निकल जाती है जिसमें पता चलता है कि उनको सुनने में दिक्कत आ रही है, तो वो लोग इस दिक्कत के कारण जो नॉर्मल ज़िंदगी में कठिनाई पेश करते हैं, उन लोगों को मशीन के द्वारा इस चीज़ से निजात मिलती है। और उस मशीन में 50% का ऑफ हमारे कैंप में प्रोवाइड किया जा रहा है। वैसे बच्चे जो सुनने से या फिर किसी और कारण से बोल नहीं पाते हैं, वैसे बच्चों के लिए यहाँ स्पीच थेरेपी के द्वारा सुधार किया जाता है, उनके बोलने का तरीका सिखाया जाता है। और सभी गार्जियन से अनुरोध किया जाता है हम लोग के तरफ से कि मोबाइल से बच्चों को अपने दूर रखें ताकि ऐसे ऑटिज्म नाम की बीमारी या ADHD वगैरह ना हो और वो अपने मानसिक स्थिति को थोड़ा ठीक रख पाएँ। मोबाइल से जो दिक्कत आती है उसको ऑटिज्म नाम की बीमारी बोलते हैं, जिसमें इंटेलिजेंट कॉटेंट IQ लेवल थोड़ा लो हो जाता है, वो अपनी अलग सी दुनिया बना लेते हैं और अकेले खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो सराउंडिंग्स या आसपास के लोगों से मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं और ये दिक्कत ही मोबाइल के कारण ही आती है। और इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि हमारे भागलपुर फिर या फिर कहीं और के लोगों को भी मोबाइल से दूरी अपने बच्चों के लिए बनानी चाहिए। इस सुनने की मशीन पर अभी शिविर में 50% की भारी छूट दी जा रही है। पूर्णिया में डॉक्टर अमरकांत निराला और डॉक्टर नेहा कुमारी मरीज को देख रहे हैं, जबकि अररिया में ASLP अनिल कुमार मरीजों को देख रहे हैं। वहीं भागलपुर में डॉक्टर निशि कुमार मरीजों को देख कर जाँच और सलाह दे रहे हैं। तो अगर आपको और आपके किसी परिजन को इस तरह की कोई शिकायत है तो इस शिविर का भरपूर लाभ उठाए और अपनी मुफ्त में जाँच कराकर मशीन पर पूरे 50% की छूट पा सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए अगर आप भागलपुर के क्लिनिक में आना चाहते हैं तो इस क्लिनिक का मोबाइल नंबर 7050193341, वहीं पूर्णिया के क्लिनिक का मोबाइल नंबर 7258814055 और अररिया के क्लिनिक का मोबाइल नंबर 9650538136 पर संपर्क कर विशेष जानकारी ले सकते हैं। भागलपुर के कबीरपुर में नगर निगम के पानी का टैंकर पलट जाने से उसमें 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इसको लेकर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। वहीं प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। नगर निगम के पानी के टैंकर में पानी भरा हुआ था, बच्चे एक तरफ खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से पानी की टैंकर आ रही थी। परिषद सदस्यों ने कहा कि अगर टैंकर की रफ्तार कम होता तो शायद यह घटना घटित नहीं होती। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि अब प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेती है। बच्चा जो है बीच किनारे में खड़ा था, टैंकर वाला जो है पीछे से बाइक में ला करके उसको चाप दिया। किधर से टैंकर बुला रहा था? टैंकर तो इधर से गया, वो बाइक करके साइड कर रहा था किनारे से, बस बच्चा उसको देखा नहीं, वो जो है पूरा किनारे ले आकर के जो है चाप दिया। बच्चे का नाम क्या है? अनिल नाम है। उसका पिताजी का नाम? उर्शीद नाम है। कहाँ घर पड़ता है इसका? कबीरपुर। थाना? थाना नाथ लगा। उम्र कितना है बच्चे का? उम्र करीब 10 से 12 साल है। 10 से 12 साल। बच्चा किधर जा रहा था? बच्चा का घर है भाई, घुसा दिया टैंकर घुसा दिया टैंकर घुसा दिया उसमें।